बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की आदर्श सोसाइटी की 31 मंजिला बिल्डिंग गिराने का आदेश दे दिया है, लेकिन साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 12 हफ्ते की मोहलत भी दी है और अदालत ने सीबीआई को इस मामले में शामिल राजनेताओं, मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ जांच करने का आदेश भी दिया है। वही फैसले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने अदालत के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में स्थित है। यह इमारत तटवर्ती नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई थी, जिस वजह से यह 1999 से ही विवादों में है। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान समेत 13 लोग आरोपी हैं। फरवरी 2016 में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीवी राव ने अशोक चौहान के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी और इस मामले में घसीटे जाने की वजह से अशोक चौहान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।